हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सोया चाप मसाला बनाने का बहुत ही आसान और टेस्टी तरीका, जो दावतों और शादियों में बनने वाला सोया चाप मसाला से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। तो आप भी इस तरीके से एक बार सोया चाप मसाला घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सोया चाप मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg सोया चाप लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पतीला में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और हम सोया चाप को इसमें ऐड कर लेंगे। और इसे हम हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए सोया चाप को बॉईल करते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और सोया चाप को छान के अलग रख लेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए यहाँ पे सोया चाप हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम इस तरीके से हल्का सा दबा के स्टिक को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे स्टिक को निकाल लिया है। अब इसे हम इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जितना बड़ा सोया चाप का पीसेस रखना है आप उतना बड़ा इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सारे सोया चाप को कट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। और देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सोया चाप के पीसेस को ऐड करेंगे और एक बार में जितने सोया चाप के पीसेस ऑयल में अटेंगे उतना ऐड करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए सोया चाप अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी बचा सोया चाप के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने उसी तरीके से सारे सोया चाप के पीसेस को फ्राई कर लिया है। जब फ्राई किए हुए सोया चाप हल्के से ठंडे हो जाएंगे तब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो इसे मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही लिया है। अब इसमें मसाले भी ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मीट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम फिर से उसी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे जिसमें हमने सोया चाप को फ्राई किया था। और देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। आपके पास जो भी खड़े मसाले अवेलेबल हो आप उसका यूज करें। और इसे हम मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए खड़े मसाले हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 बड़ा साइज का फाइन चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे। अब हम ऑनियन को मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। और जब तक ऑनियन फ्राई हो रहा है तब तक हम ग्रेवी के लिए कुछ चीजों का पेस्ट बनाकर रेडी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 1 इंच कटा हुआ अदरक, 1 पूरा लहसुन छील के और 3 हरी मिर्च लिया है। अब इसे हम ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। और इधर हमारा जो ऑनियन है वो एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी टाइम में हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। देखिए इससे ऑयल सेपरेट होने लग गया है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ सोया चाप को ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जिससे कि दही और मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। देखिए सोया चाप को भी फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और देखिए मसाले और दही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास वार्म वाटर ऐड किया है।
अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में ग्रेवी के साथ 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कि स्वैच आप में ग्रेवी अच्छे से अंदर तक चला जाएगा। देखिए इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे। तो देखिए इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी सोया चाप मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको सामने से भी दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया सोया चाप मसाला बनकर रेडी हुआ है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको गर्मा गर्म सोया चाप मसाला को सर्व करके दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया सोया चाप मसाला बनकर रेडी हुआ है। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जैसे कि शादियों और दावतों में जो सोया चाप मसाला बनता है ना, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आप भी इस तरीके से एक बार सोया चाप मसाला घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और यकीन मानिए अगर आप इसे एक बार बना के खा लेंगे तो आप इसी तरीके से बार बार सोया चाप मसाला को घर पर बना के खाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।